है गाइस, वेलकम टू साइकोवर्नेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो परमानेंट काउंसलर पोस्ट की बात कर लेते हैं जो आई आपकी हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें जो पोस्ट नाम है वो है मैरिज काउंसलर और फैमिली कोर्ट में आपकी बेसिकली पोस्टिंग होनी है। टोटल पोजीशन 30, यानी 30+ आपकी पोजिशन है। मेल और फीमेल बोथ अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट जो डेट है अप्लाई करने की वो है 1 अगस्त। 1 अगस्त तक आपको अपना फॉर्म भेज देना है और अपना आपको जो फॉर्म होगा वो स्पीड पोस्ट से आप भेजोगे, ठीक है। परमानेंट पोस्ट आपकी रहेगी, सैलरी आपको गवर्नमेंट जो पे है वही मिलेगी, सारे अलाउंस बेसिकली आपको से मिलेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पोजीशन की, लेकिन कुछ चेंजेस हैं इस पोजीशन में। क्वालिफिकेशन में लेकर काफी दिक्कत हो सकती है और मुझे लगता है वैकेंसी आपकी फंस भी सकती है बीच में, अगर कोई कोर्ट में पीएल वगैरह लगाता है इस पोस्ट को लेकर, ठीक है। तो बात करते हैं वैकेंसी कहाँ से निकली, क्या सीन है, पोस्ट की बात कर लेते हैं। देखो ये नोटिफिकेशन है आपका, तो द हाई कोर्ट, ठीक है, बॉम्बे की तरफ से पोस्ट निकली है मैरिज काउंसलर की, और 7th पे कमीशन, यानी कि 5600 ग्रेड पे की पोस्ट है आपकी। ये लेवल 7 की पोस्ट रहेगी। 4 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। 1 अगस्त इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। मैरिज काउंसलर पोस्ट आपका बेसिकली नाम होने वाला है। तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और देखते हैं क्या क्या सीन इसमें है। अब यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड स्पीड पोस्ट द रजिस्टर्ड जनरल हाई कोर्ट बॉम्बे फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द लास्ट डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, देखो 25 ही होगी, 6 ही होगी, टोटल 31 पोजिशन है यहाँ पर अभी, ठीक है। और टू बी अपॉइंटेड इन वेरियस कोर्ट इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मैरिज काउंसलर 31 पोजिशन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में पोस्टिंग होगी। पे लेवल एस 20, 56,100 से 1,70,500 रुपये आपका लास्ट सैलरी रहेगा इसमें। क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग दे रही है, पता नहीं क्यों इस बार। तो देखो यहाँ पर साइकोलॉजी नहीं लिखा है इस बार उन्होंने, जबकि हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में और केरला में तीनों जगह काउंसलर की पोस्ट निकल चुकी है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट पर था, लेकिन केरला वाले जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब थी वहाँ साइकोलॉजी मांगा था, बट यहाँ भी परमानेंट जॉब है लेकिन यहाँ साइकोलॉजी नहीं मांगा हुआ है। तो ये दिक्कत इसमें हो सकती है वैकेंसी में, अगर कोई कोर्ट जाता है उसको लेके। तो मस्ट हैव अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, बस हो गया, ठीक है। और आपको मराठी की नॉलेज इसमें होनी चाहिए, इतना नहीं भी है जब भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि बहुत से लोग उत्तराखंड में और पंजाब में सेलेक्ट हुए जिनको पंजाबी या पहाड़ी नहीं आती, ठीक है। तो MSW मांगा है, बस हो गया। साथ में मांगा है कि आफ्टर MSW आपके पास मिनिमम एटलीस्ट 2 ईयर का फैमिली काउंसलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस हो गया, ठीक है। इतना ही मांगा है, बस हो गया। बाकी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा है, कुछ कंप्यूटर में MS Word, MS Office करा है, ठीक, इतना ही मांगा हुआ है आपसे। और जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 40 ईयर मांगी है मैक्सिमम, ठीक है। बाकी SC ST OBC इसको 45 ईयर, जो भी इलेक्शन रहता है, और जो इसमें देखो जो प्रेफरेंस मिलेगी वो लॉ ग्रेजुएट को मिलेगी, बाकी जो अदर स्टेट्स अप्लाई करेंगे उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। और इसमें ना डॉक्यूमेंट बहुत सारे अपलोड करने हैं जब आप फॉर्म भेजोगे। देखो साइकोलॉजी के लिए यहाँ पर मेंशन ही नहीं है, पता नहीं क्यों इस बार इन्होंने ऐसा करा। साइकोलॉजी में फैमिली काउंसलिंग उसका एक पार्ट है और साइकोलॉजी नहीं मांगी इन्होंने, तो इसलिए मैंने कहा कि वैकेंसी आपकी फंस भी सकती है बीच में, ठीक है, अगर कोई कोर्ट इसको लेके जाता है तो अभी देखो इसमें आपको फ्री बता देता हूँ, अगर आप MSW से हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट भी आपको, डेट ऑफ बर्थ मतलब वही 10th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और आपका एग्जामिनेशन डिग्री, आपकी जो भी डिग्री है वो उसकी कॉपी, ठीक है, रिजल्ट कॉपी। और यहाँ पर देखो 2 लोगों का आपके आपको चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट जो सर्टिफाइड है 2 लोगों से, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो अप्लाई कर लगा देना। और यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट या सिविल हॉस्पिटल से, और डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली ये भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लगाना पड़ेगा, ठीक है। NXA में आपको मिल जाएगा, दिखा दूंगा अभी मैं आपको। और ये आपको जो है एक FIR क्रिमिनल के कंप्लेंट वगैरह की पुलिस इंक्वायरी भी आपको लगानी पड़ेगी करेक्टर सर्टिफिकेट में, और बस हो गया। आप बाई हैंड इसको डिलीवर नहीं कर सकते, और जब भेजोगे तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैरिज काउंसलर मेंशन करोगे, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप सेंड नहीं करेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फोटोकॉपी सबमिट करनी है, बस हो गया। और जो मेल कैंडिडेट है अगर उनकी एक से ज्यादा वाइफ है, एक से ज्यादा लिविंग वाइफ है, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और वैसे जो फीमेल कैंडिडेट है अगर उनके एक से ज्यादा लिविंग हस्बैंड है तो वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बस हो गया, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं दे रखा है। और ये जो जो चीज़ आपकी है, ये जब आप देखो इसमें एग्जाम तो है नहीं, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होना है, और इंटरव्यू के समय आपको ये डॉक्यूमेंट लाने पड़ेगा, डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा इसमें, एग्जाम आपका नहीं हो रहा है इसमें। अभी ये पोस्ट परमानेंट है, बट इसके क्राइटेरिया भी है। देखो यहाँ पर द सर्विस ऑफ काउंसलर अपॉइंटेड एट फैमिली कोर्ट लायबल टू बी ट्रांसफर्ड, आप ट्रांसफर भी इसमें होगा फैमिली कोर्ट के अंदर ही। तो जो मैरिज काउंसलर इज अपॉइंटेड द फैमिली कोर्ट शैल बी प्रोबेशन फॉर 2 ईयर, स्टार्टिंग प्रोबेशन रहेगा आपका, फिर आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उसके बाद परमानेंट आपको रख दिया जाएगा आपके सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस के ऊपर। इससे पहले भी पोस्ट आए थे 2000
15 आई थी, उसमें भी 1 ईयर का प्रोबेशन था और आफ्टर प्रोबेशन परमानेंट कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें भी 2 साल का प्रोबेशन था, आपको परमानेंट कर दिया जाएगा और उसके बाद जो भी अलाउंसेस वगैरह वो भी आपको सब दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया अभी सामने, ठीक है। और ये हो गया इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भर के देना है, एप्लीकेशन फॉर्म बॉम्बे हाईकोर्ट, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी यहाँ पे जब चीज़ है, मराठी आती नहीं आती तो यस या नो कर सकते हो, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है वो। बाकी एक्सपीरियंस जो है, बट डू हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, अगर यस या नो आप भरोगे, अगर है तो भरो, नहीं है तो तुम भी फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका। और ये रहा देखो यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर आप भरोगे क्या, यहाँ पर आप भरोगे 2 रेफरेंस जो आपको जानते हैं पर्सन, ठीक है। तो अपने प्रोफेसर वगैरह का जहाँ आपने काम करा है, काउंसलर का, उनका भर सकते हो। और ये है आपका डिक्लेरेशन ए, ठीक, ये आप भरोगे। और ये है आपका डिक्लेरेशन बी, तो यहाँ पर देखे क्या क्या भरना है उसको अच्छे से पढ़ लेना डिक्लेरेशन फॉर्म को। और उसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे की, ठीक है। ये हम चल, अगर मैं जा रहा हूँ होम पेज में, यहाँ पे जाकर लिखो मैरिज काउंसलर पर, क्लिक करोगे मैरिज काउंसलर पर तो ये आपका पेज खुल जाएगा, मैरिज काउंसलर 2024। ये आपका है शॉर्ट नोटिफिकेशन, ये डिटेल नोटिफिकेशन, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो तीनों आपको यहीं पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अप्लाई कर लेना। बात रही साइकोलॉजी स्टूडेंट की, तो उनके लिए एक अच्छी पोजीशन और आने वाली है हाई कोर्ट के अंदर ही, जैसे कि अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और बॉम्बे, 5 स्टेट से आपकी पोस्ट आ चुकी है, ठीक है। अभी गोवा हाई कोर्ट से वैकेंसी आना बाकी है, मे बी साउथ ईस्ट, साउथ इंडिया के जो कोर्ट है वहाँ से पोस्ट आएगी और वहाँ पे परमानेंट पोस्ट आएगी गवर्नमेंट की, ठीक है। गोवा में भी परमानेंट पोस्ट आएगी आपकी, यूपी का भी कन्फर्म नहीं है, एमपी, मध्य प्रदेश में परमानेंट पोस्ट आने वाली है काउंसलर की, तो उसका वेट करिए, मे बी वहां पर तो साइकोलॉजी पक्का मांगेंगे, मतलब इस बार यहाँ पे तो चेंजेस हुआ है, लेकिन अदर स्टेट में साइकोलॉजी वालों को एलिजिबल माना जाएगा और वो पोस्ट परमानेंट आएंगे। परमानेंट पोस्ट आएंगी तो मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट आएगी काउंसलर की तो वो 6 मंथ 1 ईयर की, तो वहां पर तो मास्टर चल जाएगा सिंपल, लेकिन अगर परमानेंट पोस्ट आती है काउंसलर की गवर्नमेंट के अंदर कोर्ट में, तो वहां पर आपको मिनिमम 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस काउंसलिंग का, या फैमिली काउंसलिंग का, या मैरिज काउंसलिंग का, या चाइल्ड काउंसलिंग का होना मैंडेटरी होता है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बनवा सकते हो, या फिर कहीं काम कर रहे हो तो आप वहाँ से बनवा लेना, क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट आने वाली है। अभी 1-2 महीने में आपको अदर जो स्टेट के हाई कोर्ट है वहाँ पर भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो लगातार 3-4 महीने में ही 5वां स्टेट से पोस्ट आएगी, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। बाकी साइकोलॉजी की गवर्नमेंट जॉब अभी काफ़ी आने वाली है, आपको 1-2 महीने में बहुत सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, तो चैनल पर बने रहना, चैनल में दोस्तों शेयर कर देना, और जो भी कॉलेज ग्रुप है वहाँ पर चैनल शेयर कर दो, साइकोलॉजी वाले बच्चे, एमएसडब्ल्यू वाले बच्चे, यहाँ पर अपडेट आपको मिलती रहती है। बाकी वीडियो को लाइक करो, हम लोग जल्द मिलते हैं कोई अच्छी अपडेट में, तब तक थैंक यू सो मच।